साथ ही चलें कि अफगानिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया। इट्स अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका और 6 रन अभी तक बना चुके हैं। पहले ओवर का अख्ताम हो गया है। अफगानिस्तान इन एक्शन राइट नाउ। बट स्पीकिंग अबाउट इनके बैटर्स की हम बात कर रहे थे, जिस तरह अफगानिस्तान के बैटर्स ने अप्लाई किया, नॉट जस्ट बैटर्स, जिस तरह अफगानिस्तान टीम ने खुद को अप्लाई किया है इस वर्ल्ड कप में। 2015 में सिर्फ एक मैच जीते थे, 2019 में कोई मैच नहीं जीते थे, एंड यहाँ तक जो आए हैं, क्रेडिट गोज टू द टीम ऑल टुगेदर। आई थिंक क्रेडिट गोज टू देयर बोर्ड, क्रेडिट गोज टू द सपोर्टर्स। जिस तरह हमने श्रीलंका को नए नए आए थे, तो दे टुक टाइम टू डेवलप इन एंड सेटल इन। अफगानिस्तान हैव डन इट अ लिटिल बिट मोर क्विकर, एंड दे व्हाई दे डन इट क्विकर, because of contributions of our international players in coaching them. और वो लड़के वहाँ से develop होके आगे आए। श्रीलंका के पास वो facility नहीं थी, उनके पास वो इंडिया के नहीं जाके इतने वो ट्रेनिंग कराते थे, कुछ नहीं, दे आर सेल्फ मेड। ये है पाकिस्तान मेड, और पाकिस्तान मेड के अंदर जो इन्होंने प्रोग्रेस की है क्रिकेट के अंदर, आउटस्टैंडिंग। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है, जब ये अच्छी टीम के साथ खेलते हैं, इनका लेवल उठ जाता है। पीजे मीर साहब, कथा कलामी की माफी, पाकिस्तान मेड तो अभी पाकिस्तान टीम भी तो पाकिस्तान मेड है ना, व्हाट डिफरेंस डू यू सी बिटवीन बोथ द टीम्स देन? अभी वो कंट्रोवर्सीज इनके बोर्ड में नहीं आई, हमारे बोर्ड में कंट्रोवर्सीज हैं। यही वजह आपके सवाल का, कि यही वजह है कि हमारा लड़का डिसरे हो जाता है, वो फोकस नहीं करता, वो बेचारा उधर देख रहा है, इधर देख रहा है। और तुम क्रिकेट खेलो यार, आपकी जो आपने सवाल किया, हमें क्रिकेट खेलनी चाहिए, छोड़ दें बोर्ड में क्या होता है। अब बात आती है इनकी, अफगानिस्तानियों की। आज के पर्टिकुलर मैच में, जैसे मैंने पहले कहा कि बड़े गेम में उठते हैं, आपने बात की थी पहले रेड सॉइल, दो सॉइल्स होती है, एक ब्लैक सॉइल होती है और एक रेड सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर, ये भी कई चीज़ों के लिए अच्छी है क्योंकि ये वाटर रिटेन नहीं करती, और अगर इसको सही पानी ना दिया जाए ये क्रम्बल कर जाती है। अब इसको कितना पानी दिया है, आपने भी सवाल किया था नमोशी से पहले, कितना पानी दिया, वी डोंट नो। रोल करके बड़ी अच्छी है, विकेट अच्छी आएगी, बाउंस अच्छा मिलेगा, ये खेलने वाले खेलेंगे। एंड में आई फील कि जब ये थोड़ी सी क्रम्बल करनी चाहिए, क्योंकि ये रिटेन नहीं करती पानी, तो वहाँ इनके स्पिनर्स को फायदा होगा। एंड अफगानिस्तान, आई विल गिव देम एन एज ऑन दिस गेम। ओके, अफगानिस्तान को वाकई, एक तो साउथ अफ्रीका की जिस तरह हमने देखी भी हिस्ट्री, मगर जहाँ पीजे मीर साहब ने बात की, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहाँ पे भी बहुत है, जितना उनके बोर्ड में ऊपर नीचे हुई हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। यहाँ तक हुआ कि नहीं जी, अभी तो आईसीसी के वर्ज पे हैं वो, शायद आईसीसी उनको बैन लगा दे बिकॉज वुमेन टीम नहीं है अफगानिस्तान की, एंड आईसीसी का ये रूल है। विथ ऑल दैट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, दे आर प्रोग्रेसिंग, वट हाउ कैन दे फोकस? एंड फिर हम अपने लड़कों को कहते हैं कि नहीं जी लेवरेज दिया जाए, बहुत ज़्यादा हमारे बोर्ड में ऊपर नीचे हुआ। आई थिंक कुछ चीज़ों तो पी जे वी साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दी हैं, डिवेलपमेंट ऑफ सारी चीज़ें। दो 30% जो मैं ऐड इन करना हूँ, वो इनके जितने भी 7-8 प्लेयर हैं, दे हाइएस्ट पेड पीपल इन इंटरनेशनली इन फ्रेंचाइज लीग। यस, अच्छा, उसका वो बहुत एक्सपीरियंस लेके आते हैं अपने ड्रेसिंग रूम, वो यू कैन नॉट बाय दैट, बिकॉज राशिद, नबी, ये इतने पिछले 5-6 साल से हाइएस्ट पेड भी हैं, और नूर, ये सारे क्रिकेट खेलते हैं। और फ्रेंचाइज, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप वर्स्ट स्टाइल लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, एक ही ड्रेसिंग रूम में आपके ऑस्ट्रेलियन भी होते हैं, इंग्लैंड भी होता है, इंडिया के जो IPL खेल रहे होते हैं, PSL के पाकिस्तान खेल रहे होते हैं, तो ये अपना माइंड सेट इनको पता चलता है कि बिकम अ प्रोफेशनल, टू बिकम अ गुड टीम, यू नो व्हाट टू, व्हाट प्रोटोकॉल्स वी नीड टू हैव। आई थिंक इनके सीनियर प्लेयर्स का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर, और उसके उनकी फिलॉसफी समझ आ गई है। सोने पे सुहागा, इन्होंने इंटरनेशनल कोचेज रखे हुए हैं जिनके कोई बायस है, वो उनको कोई नहीं पता कि जी अंदर पॉलिटिक्स क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही। अब जोनाथन ट्रॉट को नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है अफगानिस्तान के, नहीं, उसने इनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। सो ये 4-5 चीजों का एलिमेंट होने के बाद अब इनकी जो सीनियर प्लेयर होते हैं ना, उनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, कोचेस से भी ज्यादा ऐसी टीमों का सीनियर प्लेयर के ऊपर रोल होता है। और वो सीनियर प्लेयर जो मैंने, हैविंग सेड दैट, वो सीनियर प्लेयर जो इंटरनेशनली क्रिकेट खेलते हैं और इंटरनेशनल कोचेस के साथ उनका इंट्रैक्शन होता है, तो ये सारी चीज़ों का एलिमेंट अगर देखा जाए तो मोस्टली बिकॉज द सीनियर प्लेयर्स, दे डिवेलपिंग वेरी क्विकली द रीजन दे नो द गेम। बिल्कुल यूसुफ भाई, अभी जिस तरीके से बात हो अफगानिस्तान के हवाले से, मुशी भाई ने भी बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन कर दिया कि इनके लड़के लीग्स खेल रहे हैं। बट अब जब हम इस वर्ल्ड कप से पहले बात कर रहे थे अफगानिस्तान की, अब की जो अफगानिस्तान है, टीम है, मैनेजमेंट है, एक तो कोचिंग स्टाफ जिन्होंने तमाम लीग्स खेलने वाले लड़कों को इकट्ठा एक टीम बनाया, अब वो टीम बनती नज़र आ रही है। अब अफगान कैप्टन जो है, उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट मिलनी चाहिए। अब वो रियलाइज़ कर गए इस गेम को, कि अब जैसा कि वो इंजॉय कर रहे हैं इस फॉर्मेट को भी, जिसको T20 की टीम कहा जाता था, अब वो भी डिमांड करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट और वनडे दिए जाएँ।
नहीं देखें, अभी तक जो इधर क्रिकेट खेले हैं वो इंडिया में वो बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेले हैं। बैटिंग में भी अगर देखें जो उनका प्लान होता है उसके मुताबिक तो वो करते हैं। बॉलिंग में अभी भी जहाँ थोड़ा टर्न नहीं मिलता, कुछ नहीं होता, उसमें उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ती है। नबी को उसने स्ट्रगल करनी पड़ी। राशि ने पहले 6-7 ओवर बेहतर किए लेकिन वो कमिंस को भी बीट नहीं कर सका। जितना बड़ा नाम बना हुआ है उस कमिंस उसका है कुछ भी नहीं। अगर शेन वॉन होता इधर तो डिफरेंट चीज़ होती। मुशी भाई होते, सकलैन मुश्ताक होता, मुरलीधरन होता, ये मुश्किल डालते, ज़रूर डालते क्योंकि इनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है। लीग क्रिकेट खेलना ठीक है, बहुत से ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, लेकिन इस तरह की क्वालिटी नहीं आ सकती जो बड़ी क्रिकेट से आती है। तो ये ठीक है उनको टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा मिलनी चाहिए, वनडे क्रिकेट भी मिलनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जब स्वेरा ने भी बताया कि 2015 के वर्ल्ड कप में एक मैच जीते, बिल्कुल 2019 में कोई नहीं मैच, ये दोनों वर्ल्ड कप बाहर थे, ये एशिया में। अभी इनको इम्प्रूवमेंट दिखाने के लिए उधर भी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ये उनकी होम है, हम भी होम में खेल रहे थे लेकिन हमने पास्ट में बहुत कुछ किया हुआ है, हम अच्छी क्रिकेट खेले हुए हैं। अभी हम इनके साथ हमें कंपेयर नहीं किया जाता, लेकिन इनको अभी अपने आप को दिखाने के लिए बाहर गए सीना कंट्रीज में अच्छी क्रिकेट खेल। होम की आपने बात की यूसुफ भाई, तो होम में अफगानिस्तान अपनी होम सीरीज इंडिया में खेलता है, पाकिस्तान का होम वेन्यू उनका होम है, लेकिन ये सूट कर दिया पहली मर्तबा गए इंडिया को, अफगानिस्तान को सूट कर दिया, 4 स्पिनर खिलाए उस दिन उन्होंने, तो वो ऐसी अभी स्पिनर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। बाहर जो क्रिकेट होगी वहाँ स्पिन कम मिलेगा, फ्लैट विकटें होंगी, सीधी होंगी, उसमें ना मूवमेंट भी बहुत कम होती। देखिए 400 रन इंग्लैंड जैसी कंट्री में 2 बार 440-480 बने हैं, नेदरलैंड में 500 बने हैं, ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप में 2015 में कई दफ़ा 400 रन बने हैं। वहाँ बहुत फ्लैट विकटें होती हैं, सीधी होती हैं, टर्न भी मुश्किल मिलता है। तो ये अभी अभी तक तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, और क्रेडिट जाना चाहिए इनको जिस तरह की क्रिकेट खेले हैं। लेकिन अभी बाहर की कंट्रीज़ में जाके, सीना कंट्री में जाके जब ये ऐसी क्रिकेट खेलेंगे तो इनको और फ़ायदा होगा। एक बहुत मुश्किल कैच था, अटेम्प्ट कर सकते थे। साउथ अफ्रीका इज अ वेरी गुड फील्डिंग साइड, बट यस यहाँ पे बचे और जो है बचत हो गई एटलीस्ट। इब्राहिम ज़ादरान बचे हैं, महाराज ने कैच छोड़ा जी ज़ादरान का। यस सो यस कैचेस विन यू मैचेस जो हम बार बार बात करते हैं। बट कमिंग टूवर्ड्स यू पीजे मीर साहब, अब हम पाकिस्तान की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ऑब्वियसली वी नो द सिनेरियो, इट इज मोस्ट अनलाइकली ऐसा एक सिनेरियो बन गया है कि या तो इतने बड़े मार्जिन से हराया जाए इंग्लैंड को, ऑलमोस्ट 280 रन से हराना पड़ेगा इंग्लैंड को, या फिर 6 ओवर के अंदर वो टारगेट अचीव करना होगा। पाकिस्तान की एक इक्वेशन हमारे सामने आती है जो बहुत अनलाइकली सी एक सिचुएशन है। हम हमेशा पहुंचते क्यों हैं इस वर्ष तक, मतलब नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट 92 से लेके अब तक वी हैव बीन ऑन बारिश हो जाए, ऑन वो इसको हरा दे, वो व्हाई हैज इट ऑलवेज बीन लाइक दैट विद पाकिस्तान? गुड क्वेश्चन एंड गुड आंसर आपने जो किया, इसको मैं एलैबोरेट करता हूँ आगे। इसलिए करते हैं, हम इस नौहियत में पहुँचते क्यों? एग्जैक्टली दैट इज़ व्हाट द मेन थिंग इज़, हम पहुँचते क्यों हैं? फिर बाद में हम ढूंढते हैं बारिश हो जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए, व्हाई डू वी लुक फॉर दैट? एग्जैक्टली अब जो हमने इंग्लैंड के साथ खेलना है, हमने खेलना है टू गिव आर बेस्ट, इट डजंट मैटर विनिंग और लूजिंग, वी हैव टू विन दैट मैच, फॉरगेट द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में हमारी पार्टिसिपेशन हो गई, unfortunately we haven't succeeded, but that doesn't mean ke duniya khatam ho gayi hai. There are future championships coming up, we've got to be preparing mentally for those games. 2019 mein bhi yahi socha tha humne, 15 mein bhi socha tha na. Alama Iqbal ne bhi 38 saal pehle soch ke Pakistan mein de diya, to dekh lena. To the question is ke humne bhi sochna hi hai aur mehnat karni hai, give up nahi karna. Okay, ye aisi ek cheez hai कि ये एक ऑन गोइंग फाइट है क्रिकेट की, जिसके अंदर जीतेंगे हारेंगे, ड्रॉ होगा, जीतेंगे हारेंगे, बारिश आपके खिलाफ हो जाएगी, ये आपके खिलाफ हो जाएगा, वो हो जाएगा, हर चीज़ हो जाएगी, हमने कंटिन्यू करना है इस पर। और जब तक हम एक तरीके से नहीं करेंगे, अपने बोर्ड को तकड़ा करो, लड़कों में कॉन्फिडेंस दो, लड़कों को फाइनेंशियल सपोर्ट दो, ग्रास रूट की क्रिकेट को उठाओ, आपकी क्रिकेट फर्टाइल हो जाएगी।